दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों की लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हर शैक्षणिक सत्र पर इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और लोक शिक्षण के अधिकारियों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि अतिथि शिक्षक को प्राइवेट शिक्षक के तौर पर हम नियुक्त करेंगे। अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियाँ हर शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में की जाती थी, लेकिन वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया की नियुक्ति ऑनलाइन कर दी गई है। लेकिन ऑनलाइन के चलते 5 बार तारीखों को बढ़ा के लगभग महीने भर निकाल दिया गया। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर आपको कंप्लीट अपडेट दिखाएंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। शिक्षकों का आरोप है, नहीं सुनी जा रही है शिकायतें। पोर्टल की गड़बड़ी से शिक्षक परेशान है, आंदोलन की चेतावनी लगातार दे रहे हैं। यह कौन से शिक्षक हैं जो लगातार परेशान हैं? तो जी हाँ, मध्य प्रदेश के ये अतिथि शिक्षक हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने अभी शिक्षक का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन यह काम शिक्षक का 16-17 वर्षों से स्कूलों पर करवाते हैं। इनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना तब करना पड़ता है जब इनकी नियुक्तियां स्कूलों पर होती हैं, क्योंकि इनकी नियुक्तियों का जो काल होता है, समय होता है, नियुक्ति का कार्यकाल होता है, वह 7-8 महीने के लिए होता है। 2024-25 में पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे, भोपाल से है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में ऑनलाइन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। स्कूलों में ना तो खाली पद दिखाए जा रहे हैं और ना ही गलतियों में सुधार किया जा रहा है। शिकायत सुनने और सुलझाने के लिए बनाई गई हेल्पलाइन नंबर, जो कि जेफमेस पोर्टल पर आप जैसे इंटर करेंगे स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि किसी भी प्रकार परेशानी हो तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वह हेल्पलाइन नंबर हेल्पलेस हो चुका है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतिथि शिक्षकों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब शिक्षक दिवस पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी इन अतिथि शिक्षकों ने कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने इस शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के निर्देश जारी कर दिए, जिसमें जिलावार स्कूलों की लिस्ट और उन स्कूलों के शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी यहां पर साझा की जानी थी। इन खाली जगहों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों को रखने आवेदन मांगे गए। वहीं प्रक्रिया करीब 20 दिन पहले शुरू हुई थी और इस प्रक्रिया में करीब 5 बार DPI की तरफ से, लोक शिक्षण की तरफ से आदेश जारी करके तारीखों को बढ़ाया जा रहा है। यहां पर जो शिकायत है वह जायज है, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि 1.5 महीने पहले स्कूल खुल गए थे, फिर भी DPI यानी लोक शिक्षण की तरफ से 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में इस तरह की कार्यवाही, इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है? भर्ती में आ रही गड़बड़ी के कारण हजारों विद्यार्थी शिक्षकों की कमी के बीच पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 माह पहले कक्षाएं शुरू हो की गई थी, लेकिन अतिथि शिक्षक संगठन के रमाकांत ने बताया है कि लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों के कई बार शिकायत कर चुके हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कोई फोन रिसीव नहीं करता है। अगर आप इस बात की सत्यता चेक करना चाहते हैं तो जेफमेस पोर्टल आप गूगल पर सर्च करेंगे और उस लिंक पर ओके करेंगे, जेफमेस पोर्टल खुलेगा, सामने एक मैसेज आएगा जिसमें लोक शिक्षण भोपाल के अधिकारियों का हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा। उस नंबर पर आप फोन लगा के खुद सत्यता की जांच कर सकते हैं। आप 100 बार भी लगाएंगे तो भी फोन व्यस्त ही बताएगा। ज्यादातर समय पर फोन बंद आता है। पूरे प्रदेश में कई युवा परेशान है। ये प्रदेश का नई सरकार मोहन सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। अतिथि शिक्षक कहीं न कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को 12 महीने करने और नियुक्ति के 12 माह तक उनको वेतन मानदेय देने और परीक्षाओं में अंकों की बात कही थी, लेकिन उसकी आदेश भी नई सरकार, नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जारी नहीं किए गए और वर्तमान के हालात आप देख ही रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।